कोरोना वायरस कोविड-19 ने हमें बहुत तकलीफ दी है। आपको तो जानते ही होंगे, जिनकी इम्यूनिटी कम थी उस समय, जिनकी डायबिटीज़ लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी और जिनको स्टीरॉयड का बहुत ज़्यादा सेवन दिया गया था, ऐसे के पेशेंट्स में म्यूकर माइकोसिस यानी ही ब्लैक फंगस की मात्रा है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी जिसमें एक पेशेंट की जान भी जा सकती है, क्योंकि ये फंगस यहाँ आपके साइनस में ग्रो होता है, ग्रो होते होते आपके ब्रेन तक चला जाता है और उसके वजह से मौत भी हो सकती थी। तो डॉक्टरों का उस समय यही इलाज करने का तरीका था कि उस जबड़े की हड्डी को तुरंत काट के निकाल के फेंक दिया जाए ताकि वो ब्रेन तक ना पहुँचे। तो ऐसे काफ़ी पेशेंट्स उस वक्त पीड़ित थे जिनका पूरी की पूरी, ये जो आप देख रहे हो ये पूरे फंगस, वो पूरा पार्ट काट के निकाला गया। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर मयूर खैरनार, आपका फुल माउथ इम्प्लांट स्पेशलिस्ट, आज 23,000 इम्प्लांट्स प्लेस करने के एक्सपीरियंस के बाद डेंटल इम्प्लांट ब्लैक फंगस पेशेंट्स में या म्यूकर माइकोसिस अफेक्टेड लोगों में किस तरह से डालकर उनको फिर से रिहैबिलिटेशन किया जा सकता है, उनका पुनर्निर्माण फिर किस तरह से किया जा सकता है, इसके ऊपर आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, यूजली मैंने कहा कि पूरे जबड़े की हड्डी निकाली जाती है, तो जबड़े की हड्डी निकालने के बाद जब आपकी त्वचा पूरी जख्म भर जाता है तो यूजली इस तरह के डिफेक्ट्स आपको दिखाई जाते हैं। तो ये है पोस्ट म्यूकर माइकोसिस ओरल डिफेक्ट, इसे डिफेक्ट कहते हैं, ताकि मतलब यहाँ का पार्ट पूरा निकाल दिया गया है, ठीक है। अब इस डिफेक्ट को हम इस तरह से कैसे कन्वर्ट करते हैं, यह वीडियो में मैं पूरे डिटेल में जानकारी दूंगा। अलग अलग टाइप के डिफेक्ट्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले बता चाहूंगा कि ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा मिशन है ऑल टीथ फॉर ऑल। इसका मतलब है हम सबको दांत मिलने का अधिकार है, भले आप में हड्डी सबसे कम है फिर भी आपको फिक्स दांत मिलने का अधिकार है। तो ये कैसे किया जाता है, क्योंकि हमारे जबड़े की हड्डी भी चले गई तो भी हमारे फेस में कहीं और जगह हड्डी होती है, उससे यूटिलाइज करके हम आपको फिक्स दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी हड्डी कम है तो बिल्कुल भी मत डरिए, विथ डेंटल इम्प्लांट्स आज कम से कम हड्डी में भी आपको पूरी तरह से दांत मिल सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि दो तरह के डिफेक्ट होते हैं। अगर आप मेरे ऊपर वाले डिफेक्ट देखोगे तो इसमें आपको एक छेद दिखाई देगा जिसे कम्युनिकेशन कहते हैं, होल कहते हैं। अब ये जो छेद है ये काफ़ी ज़्यादा फंगस ने एक्टिव होकर वहाँ पर डिस्ट्रक्शन कर दिया होगा, इसीलिए इसकी जो कैविटी है ये आपके नोज मतलब नाक के अंदर की जो कैविटी है उससे कम्युनिकेटेड है। तो ये टाइप का डिफेक्ट, इसमें होल होता है पेशेंट्स में। अगर आप देखोगे इसमें कोई दांत नहीं है ऊपर के जबड़े में, पूरा का पूरा जबड़ा निकाला गया है। अगर आप मेरे बाजू वाले डिफेक्ट में देखोगे तो ये वाले डिफेक्ट में सिर्फ एक लेफ्ट साइड का दांत निकाला गया है, पार्ट निकाला गया है, ठीक है। इसमें बचे हुए दांत अच्छे हैं, मतलब इसमें जो वायरस है वो ज़्यादा एक्सटेंसिवली डैमेज नहीं किया है, इसने शायद ट्रीटमेंट बहुत पहले कराई होगी, इन्होंने ट्रीटमेंट काफ़ी लेट कराने की वजह से डिस्ट्रक्शन है, और लेट करा दे तो शायद वो फैलते फैलते वो ब्रेन तक चला जाता और फिर ब्रेन तक चले जाने के बाद वो इंसान नहीं बच सकता है दोस्तों। तो ऐसे पेशेंट्स आज कोविड को कम होते हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट अभी भी त्रस्त है, वो सोच रहे हैं कि हम कैसे दांत बिठाएं, किस तरह से करें। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो फर्स्ट टाइप का केस है इसमें आप ये पेशेंट के पूरे जॉ निकाला गया था, इनमें होल्स थे और होल्स होने की वजह से अगर आप देखेंगे तो इनकी, देखिए इनको चीविंग ही नहीं करने आ पा रहा था। होल्स की वजह से क्या होता है कि बात करते तो एक नोज का इसमें से कम्युनिकेशन होने की वजह से हवा निकलती है, जिसके कारण वहाँ पर पेशेंट को बात करते हुए एक नेजल ट्वैंग आता है ऐसा इस तरह से। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, खाने का तो डेफिनेटली बड़ा इश्यूज है क्योंकि इसमें कोई डेंचर भी बैठ नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर ये देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हड्डी पूरी की पूरी निकाली गई है, ठीक है, पूरी हड्डी निकाली गई है और इसमें जो हड्डी बची है वो ये है आपके चीक बोन। तो चीक बोन की हड्डी में हमने इम्प्लांट्स प्लेस किए, आप देख सकते हो कि पूरी हड्डी निकाली गई है। अब ये पेशेंट को सुनिए आप अच्छे से। तुमचं नाव सांगा। मोहन। ओके। तुमचं वय काय आहे? देखिए वो बात करते कैसे आवाज आ रहा है, नाम भी देखिए चालीस गांव कैसे टैंक गांव। तो ये जो होता है ये नेजल ट्वैंग क्यों होता है, क्योंकि पूरे के पूरे आपकी नोज और ये कम्युनिकेट होने की वजह से वॉइस पूरा खराब हो गया है, खाने के लिए दिक्कत है। तो ये पेशेंट की ये एक्सरे है, अभी देखिए ये एरिया में हड्डी बची हुई है। बस ये हड्डी क्यों बची है, क्योंकि हड्डी बहुत ज़्यादा डेंस होती है,
तो अक्सर जो इन्फेक्शन होता है, जो फंगस इन्फेक्शन होता है, वो सॉफ्ट हड्डियों में तुरंत फैल जाता है, जिसको ऑस्टियोमायलाइटिस कहते हैं और नेक्रोसिस कहते हैं। तो पूरे हड्डी को खाने के बाद ये हड्डी बचने की वजह से पूरा का पूरा जबड़ा निकाल दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे इनकी प्रोसीजर और इनकी सर्जरी हमने हमारे हॉस्पिटल में ही की है, आपको इनको कहीं एडमिट होने की ज़रूरत नहीं, हमारे ही सेंटर में इनकी पूरी ट्रीटमेंट की गई थी। इनके जो चीक बोन है उसमें इम्प्लांट्स डाले गए थे, टेरिगॉड एरिया में इम्प्लांट डाले गए थे, और उनके बाद इनको एक हमने अगर देख सकते हो कि ये जो गोल सर्कल है यहाँ पे इम्प्लांट्स डाले गए थे, पीछे इम्प्लांट्स डाले गए थे, और ये इम्प्लांट्स डालने के बाद इनको एक डेंचर दिया गया था जो डालने निकलने वाला था। दोस्तों अभी मैं बताना चाहूँगा, ये पेशेंट में होल होने के कारण हम इनको फिक्स दांत नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम फिक्स दांत देते हैं तो समझ लीजिए इनको कुछ वो होल में खाना फंस गया तो निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि फिक्स्ड है। तो इसीलिए ऐसे केसेस में ओवर डेंचर दिया जाता है। और अगर आप देखोगे ये डेंचर के ऊपर की तरफ यहाँ पे एक सॉफ्ट पार्ट है जिसको सॉफ्ट लाइनर, इसको ऑब्चुरेटर कहते हैं, तो ये बराबर उस होल में जाके ब्लॉक होता है ताकि खाना फंसे नहीं, और फंसे तो पेशेंट निकाल सकता है और क्लीन भी कर सकता है, गागल भी कर सकता है, ठीक है। तो ये पेशेंट को दांत लगाने के बाद देखिए पेशेंट किस तरह से चबा रहा है अच्छे से। अब इतना ही नहीं तो हमने क्या किया, हमने उनकी पूरी डे वन को कैसे वो बात कर रहे थे वो रिकॉर्ड किया, देख लीजिए आप, सुनिए। बोला तुमचा नाव सांगा। मोहन। ओके, तुमचा वय काय आहे? देखिए कैसा सांगा, देखो कैसा ट्वैंग कर रहा है ऐसा। अब आप दांत लगाने के बाद उनको सुनिए, नाव का मास कितना इम्प्रूव हो गया है। बोलो मोहन बामन पाटिल, देखिए कितना इम्प्रूव बात कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा बेटर बात किया है उन्होंने। बोला बाबा जी, काय बोला काय पण बोला ना आपल्याला पास, मला कसा वाटतंय। अब ये पेशेंट का देखिए आप खाना खाने के बाद कितना इम्प्रूव हुआ है। बाबा मला जय बजरंग बली, त्या बाजूने खा, इकडे गया या दूसरा बिस्किट, मला बघूया स्पीड किती आहे तुमची, जाऊ राहिला। तो आपने देखा दोस्तों कैसे वो खाना भी खा पा रहे हैं, हमने चीविंग एफिशिएंसी टेस्ट भी की उनकी, तो अच्छे से बेटर उनकी इम्प्रूवमेंट हुई है खाने में। अब मैं आपको दूसरा केस दिखाने वाला हूँ जिसमें पेशेंट्स के लेफ्ट साइड का पूरा जबड़ा निकाला गया था। अब ये पेशेंट एक ब्राह्मीण पेशेंट है, मंत्र जाप करके पूजा पाठ करके काफ़ी लोगों के पास जाके इन्हीं से इनकी रोजी रोटी चलती है, पर अब ये जबड़ा चला जाने के बाद वो मंत्र कैसे बोलेंगे, संस्कृत कैसे पाठ करेंगे। अब ये प्रॉब्लम होने की वजह से बिल्कुल भी ये बात नहीं कर पा रहे थे, ये भी डिसअपॉइंटेड है, लेकिन काफ़ी सर्च के बाद इन्हें हमारे पास आए, हमने इन्हें आश्वासन दिया कि आपका सही होगा और इनका सब कुछ इम्प्लांट डालने के बाद ये इम्प्लांट्स हमने प्लेस किए, इसको जाइगोमेटिक इम्प्लांट्स, नेजल इम्प्लांट्स, टेरिगॉड इम्प्लांट्स पूरी तरह से प्लेस किए हैं। आप देख सकते हैं एक्सरे में ये उनके स्क्रू रिटेन दांत दिए गए हैं, इंस्पाइट ऑफ इतने सारा हड्डी आने के बाद भी हमने इनको स्क्रू रिटेन दांत दिए गए हैं। स्क्रू रिटेन दांत देने के बाद अगर आप देखेंगे ध्यान से ये अच्छे से चबा रहे हैं, ठीक है। अब हम इनकी चीविंग एफिशिएंसी टेस्ट भी कर रहे थे, अगर आप देखेंगे बिफोर और आफ्टर में कितने, ये मेरी पूरी टीम है, मेरे साथ मेरे बहुत सारे सर्जन्स होते हैं, हम मिलके सब ये पूरे काम करते हैं क्योंकि ऐसे केसेस में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अगर आप देखेंगे तो इनकी बिफोर और आफ्टर देख लीजिए कैसा है। देखिए ये बिफोर है, इनके लेफ्ट साइड राइट साइड पूरा एक खड्डा है, और ये दांत लगने के बाद तुरंत वो खड्डा बाहर आ गया है क्योंकि पूरा का पूरा सपोर्ट मिल गया दांत की वजह से। तो अगर ये पेशेंट अभी स्माइल कर रहे तो आपको प्रॉपर दिखेगा कि किस तरह से वो सही जा रहा है, और ये पेशेंट खा भी रहा है। इनकी भी हमने चीविंग एफिशिएंसी टेस्ट की है, कुकीज़ दिया था इन्हें, और कुकीज़ देने के बाद वो भी काफ़ी खुश थे। अगर आप उनको सुनना चाहेंगे तो ज़रूर सुनिए। मैं माधव महाराज जाधव फ्रॉम संगमनेर, मैं अभी इस वक्त डॉक्टर मयूर खैरनार के हॉस्पिटल यानी उसके मंदिर में है, और मुझे म्यूकर हो गया था तो मैं बोल नहीं पा सकता था, पूरी आशा ही खो चुका था कि फिर से वापस बोल सकूँ या ना सकूँ। मैं संस्कृत का स्टडी किया, पुराण का स्टडी किया, उपनिषद का स्टडी किया, इतना सब करने के बावजूद जब ये मुझ पर आपघात हो गया, एक्सीडेंट हो गया म्यूकोरमाइकोसिस का, तो पूरी जीने की आशा ही खो दी थी। लेकिन आज फिर मैं
मंत्र बोल सकता हूँ। जैसा कि गोविंद ने कहा है कि जब भगवान की कृपा हो जाए, मुकम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। जब भगवान की कृपा हो जाए तो पंगु आदमी भी पहाड़ी पर चढ़ सकता है, मुका भी वाचाल या वेदांत का विवरण कर सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा माधव जी ने क्या खूबसूरत बात कही कि आपकी श्रद्धा अच्छी हो, आपका विश्वास हो और भगवान की कृपा हो तो अपंग व्यक्ति भी पहाड़ चढ़ सकता है और मुका भी वेद बोल सकता है। तो ऐसी श्रद्धा के कारण ही आज माधव जी इतने प्रॉब्लम में होने के बावजूद वो आज वेदों का पाठ पढ़ रहे हैं। दांत लगाने के बाद हम उनको पिछले एक साल से उनका फॉलोअप कर रहे हैं, उनकी जो स्पीच है बहुत बेहतरीन हो गई है और वो खुश है। अगर आपको इनका पूरा वीडियो देखना है तो डेफिनेटली आप ऊपर के सेक्शन पे क्लिक करिए, इनके पूरे वीडियोस भी आपको दिखेंगे। मैं आपको अभी दूसरे केस के बारे में बताऊंगा। इनके भी ऊपर के पूरे लेफ्ट साइड के जबड़ा निकाला गया था और प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इनको था कि इनकी पर्सनल लाइफ में इनको प्रॉब्लम आ गए थे, ये काफ़ी ज़्यादा बोल नहीं पा रहे थे, इनकी कॉन्फिडेंस काफ़ी कम हो गई थी। इनकी ट्रीटमेंट में दूसरा प्रॉब्लम ये था कि इनमें स्पेस कम था, इसके वजह से दांतों के वजह से हमें जाइगोमेटिक इम्प्लांट्स डालने के लिए भी बहुत ईजी नहीं था ये सिचुएशन, तो काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन था। अगर आप देखेंगे पीछे भी दांत है, टेरिकॉइड नहीं डाल सकते थे, तो हमने क्या किया, तो ऐसे केसेस में हमने इनमें डेफिनेटली जाइगोमेटिक इम्प्लांट्स डाले, आगे नेजल इम्प्लांट्स डाले और उस चार इम्प्लांट्स के ऊपर इनको फिक्स टीथ दिया गया। अब ये फिक्स टीथ देने के बाद इनकी स्माइल चेक की, इन्होंने प्रॉपरली स्माइल एनालाइज किया और ये है फाइनली पेशेंट की स्माइल। अब ये प्रॉपरली हंस सकते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो गई है, ओरल हेल्थ रिलेटेड जो भी इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। हम इनका फेस तो नहीं दिखा सकते आपको, लेकिन आप स्माइल ज़रूर देखिएगा क्योंकि इनकी रिक्वेस्ट थी। तो इसी तरह से अभी दूसरे केस के बारे में, ये भी एक काफ़ी स्पेशल केस है, इनमें भी लेफ्ट साइड का ऊपर का पार्ट अफेक्ट हो गया था। इसमें सबसे दिक्कत ये हमारे पास आया, इन्होंने कहा कि मैंने जीने की आशा छोड़ दी है। तो हमने कहा कि आपकी हड्डी नहीं है, ऐसा नहीं है, हम अभी भी आपको दांत दे सकते हैं, एक अलग टेक्निक से, और इनकी में भी हमने स्क्रू रिटेन के दांत दिए। तो अगर आपने देखा कि हर केस में जाइगोमा के द्वारा हम स्क्रू रिटेन दांत दे सकते हैं, चारों के चारों केस है, ये हमारी चौथी केस है म्यूकरमाइकोसिस पेशेंट की। इनमें अगर आप देखोगे कि स्माइल करते हैं तो इनका जो जबड़ा है नहीं होने के वजह से पूरा खड्डा आ चुका है। अब वो सेम चीज़ इनके दांतों में भी वही है, प्रॉपरली पूरा लिप अंदर चला गया है। अभी इनके दांत नहीं, इनके जो दांत बहुत ऊपर तक निकाले गए थे उनकी हड्डी, तो हमने इम्प्लांट्स भी काफ़ी डीप प्लेस किए हैं। डीप प्लेस करने के बाद अभी ज़्यादा बोन लॉस है, तो बहुत बड़े दांत देंगे तो बहुत ही हैवी होगा, क्योंकि ये मटेरियल PFM है, पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल है। पहले वाले जो मटेरियल्स दांत थे वो थोड़े डिफरेंट मटेरियल्स के थे, तो बजट कंसर्न के हिसाब से ये PFM किए गए थे। अब PFM में इतना हैवी दे नहीं सकते, इसलिए स्पेस रखा गया था। अगर आप देखोगे तो ये स्पेस है और वो स्पेस स्क्रू रिटेन दांत के थ्रू दिया गया था अभी ये दांत लगाने के बाद। लेकिन जब पेशेंट हंसते हैं तो अभी ये प्रॉपरली खाना खा पाते, देखिए दोनों साइड पे प्रॉपर चीविंग ऑक्लूजन बनाया गया है। अब जब पेशेंट हंसते हैं तो उनका कोई गैप दिखता नहीं है, इसीलिए आज वो पेशेंट कह रहे हैं कि आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो मैं कहता हूँ नहीं, आप खुद आपकी ज़िंदगी बदल सकते हो, आपको सही टाइम पे सही डिसीजन लेना होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप किसी और की ज़िंदगी इन्हीं के तरह बदलना है, तो प्लीज़ ये वीडियो उनको रेफ़र करिए, उनको शेयर करिए, ताकि वो भी देखें, उन्हें भी कॉन्फिडेंस आए कि म्यूकरमाइकोसिस हो जाने से कोई ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। अगर उनके जबड़ा निकाला गया है तो हम आज आधुनिक तकनीक के द्वारा उनको डेंटल इम्प्लांट्स डाल के फिक्स टीथ दे सकते हैं। अब किसी पर निर्भर करेगा कि उनमें फिक्स टीथ देना है क्या, रिमूवेबल ऑब्चुरेटर वाला ओवरडेंचर देना है, ये सब उसके लिए प्लीज़ आप उनको हमारे हेल्पलाइन का नंबर दीजिए और हम उनके लिए, हमारा जो मिशन है ऑल टीथ फॉर ऑल, ये हम उनके लिए हमेशा उनके सेवा में हाजिर है। हमारे हेल्पलाइन से संपर्क करने के बाद हमारी टीम पूरी की पूरी उनके जानकारी देगी और सही टाइम पे मैं आपसे पर्सनली भी बात करूंगा। तो दोस्तों,
प्लीज अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जिनमें दांतों की प्रॉब्लम है, जिनको फुल माउथ इम्प्लांट्स की जरूरत है, जिनको डेंटल इम्प्लांट्स की जरूरत है। और हमसे जुड़े रहिए, अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।